सर, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम अपने Redmi Note 8 Pro डिवाइस में Aero OS जो कि लेटेस्ट वर्जन है उसे हम कैसे फ्लैश कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाना होगा यहाँ पे, और यहाँ पे अबाउट फोन में जा करके MIUI वर्जन पे 7 बार टैप करना होगा। तो जैसे ही आप इस पे 7 बार टैप करोगे, फिर बैक आओगे, फिर यहाँ नीचे में आप देख सकते हो एडिशनल सेटिंग्स, यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे डेवलपर ऑप्शंस का एक ऑप्शन खुल चुका है। अब इसमें आपको नीचे जाना होगा और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा जो डिवाइस है ये ऑलरेडी अनलॉक्ड है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपके लिए मतलब फ्लैश करने के लिए सबसे पहले आपका डिवाइस जो है वो अनलॉक होना चाहिए। तो क्योंकि मेरा डिवाइस अनलॉक है तो अब मुझे क्या करना होगा, USB डिबगिंग, मेक श्योर कि आपका USB डिबगिंग ऑन हो। और अभी अपने को क्या करना होगा कि अपने को जाना होगा फास्ट बूट मोड में। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, पावर बटन प्लस वॉल्यूम डाउन बटन को टैप करके रखेंगे। तो टैप करके रखते हैं, ओके गाइस। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने फास्ट बूट मोड में। अब मेक श्योर कि आपका जो फ़ोन हो वो आपके लैपटॉप के साथ या PC के साथ कनेक्टेड रहे। तो उसके लिए क्या करना होगा कि आपको अपने फ़ोन को अपने लैपटॉप के साथ यहाँ कनेक्ट कर लेना होगा। ओके, तो मेरा जो फ़ोन है वो मेरे लैपटॉप के साथ सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, फिर मैं दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे हम आ गए हैं अपने लैपटॉप पे, और आप यहाँ देख सकते हो कि हमें चाहिए होगी बेसिकली 3 फाइल्स। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगी Aero OS जो कि लेटेस्ट रिलीज आज ही मतलब कल आई थिंक आया है, कल रात में। फिर दूसरी चाहिए होगी हमें एक रिकवरी जो कि हमें पहुँचाएगी रिकवरी में, सो दैट वी कैन मतलब हम लोग फ्लैश कर सकेंगे Aero। और तीसरी चाहिए होगी जी एप्स इसलिए क्योंकि ये जो है ये वैनिला वर्जन है। आप देख सकते हो कि वैनिला दिख कर क्या रहती है, तो क्योंकि वैनिला वर्जन है तो इसमें आपको गूगल के कोई भी ऐप या फिर गूगल जो एक्सेस है वो नहीं मिलेगी। तो इसलिए हमें चाहिए होगी एक एडिशनल जी एप्स यहाँ पे। अब आप ये जी एप्स जो है ये डाउनलोड कर सकते हो, मैं इसका लिंक दे दूंगा। यहाँ देख सकते हो कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे वो Aero OS डाउनलोड करा है, मैं इसका भी लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और दूसरा जो है मैंने डाउनलोड किया करा है जी एप्स, तो मैं यहाँ पे निक जी एप्स यूज़ कर रहा हूँ और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप भी यही वाला जी एप्स यूज़ करो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मैं आपको ये लिंक दे दूंगा और यहाँ पे आपको आना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे वर्जन है। अगर आप खुद डाउनलोड करना चाहो तो कर लो, या फिर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से आप कोर वाले वर्जन को डाउनलोड कर सकते हो, और अगर कोर नहीं तो फिर बेसिक वाले पे जा सकते हो। बट अगर आप ओमनी या फिर स्टॉक पे जाते हो तो मे बी एरर आ सकता है, तो इसलिए बेटर ये होगा कि आप कोर वाले पे जाओ। और चलो फिर मैं इसे डाउनलोड कर चुका हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे कोर वर्जन CORE कोर जो है ये मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो अब आपको क्या करनी है कि सबसे पहले क्या करना है कि आपको इसे अपने रिकवरी को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेना। तो एक्सट्रैक्ट टू PRP करोगे, इस पर क्लिक करोगे तो आप पहुँच जा, आपका ये फोल्डर जो है एक्सट्रैक्ट होके ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब इस पर आपको डबल क्लिक करनी है और यहाँ से सबसे पहला ऑप्शन जो है इसे आपको फ्लैश कर लेना है डबल क्लिक करके। तो मैं अपने फोन को भी चालू कर लेता हूँ, फ्लैश रिकॉर्ड करो। ओके, तो मैं इसे डबल क्लिक कर रहा हूँ और आप यहाँ देख सकते हो कि मेरा जो है ये ऑटोमेटिकली मेरा जो फ़ोन है वो रिकवरी में रिबूट हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है कि इसे यहाँ से सिंपली कट कर देना है। अब हमें वेट करना है अपने फ़ोन को यहाँ पे लोड होने का रिकवरी में। तो आप देख सकते हो हमारा फ़ोन जो है वो रिकवरी में आ चुका है, अब हमें वेट करना है। ओके, तो हम आ चुके हैं यहाँ पे अपने रिकवरी में। अब हमें क्या करना है, सिंपली स्वाइप टू वाला मॉडिफिकेशन करने हैं। अब आपको क्या करना है, अब आ जाना है अपने PC स्क्रीन पे। तो चलते हैं PC स्क्रीन पे। अब हम आ चुके हैं अपने PC स्क्रीन पे। तो हमें क्या करना है कि हमें ये जो ROM है कस्टम ROM और ये वाला जो GX है इन दोनों को कॉपी कर लेना है, और इन दोनों को अपने Redmi Note 8 डिवाइस में सेंड कर देना है, कॉपी कर देना है। तो करते हैं वो चीज़। तो गाइस मैं इन दोनों को इसमें कॉपी कर दे रहा हूँ। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा दोनों जो है GX और ROM दोनों कॉपी हो चुका है। अब हमारे PC का काम हो चुका है खत्म। अब हम चलते हैं अपने फोन में।
ओके, तो मैं अपने फोन को ऑन कर, हमारा पीसी का जो काम है वो खत्म हो चुका है, तो मैं इसे स्टॉप कर दे रहा हूँ। अब हम आ चुके हैं अपने फोन में, आप इसे डिसकनेक्ट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे स्वाइप टू अनलॉक करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको माउंट कर लेना है अपने सिस्टम और वेंडर को। उसके बाद यहाँ पे आपको वाइप पे क्लिक करना है, एडवांस वाइप, डेलविक सिस्टम, वेंडर डेटा और कैच को डिलीट कर देना है, स्वाइप कर देना है ताकि मॉडिफाई हो जाए। अब आ जाना है अपने इंस्टॉल में, और यहाँ देख सकते हो कि सबसे पहले एक रोम जो है और ये जी एप्स है। तो यहाँ पे सेलेक्ट, सबसे पहले रोम को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐड मोर जिप्स में जाना है, और यहाँ पे इस जी एप्स को भी सेलेक्ट कर लेना है, और सिंपली स्वाइप टू फ्लैश कर देना है। तो वैसे देख सकते हो कि ये जी एप जो है ऑटोमेटिकली फ्लैश हो जा रहा है, क्योंकि हमने दोनों एक ही साथ सेलेक्ट कर लिया था। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो है हमारा जी एप्स और रोम जो है दोनों सक्सेसफुली फ्लैश हो चुका है। अब हमें क्या करना है, सिंपली होम प्रेस करना है। अभी रिबूट नहीं करेंगे, अब सिंपली रिबूट करेंगे और यहाँ रिकवरी सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो अब हमें यहाँ स्वाइप टू अलाउ मॉडिफिकेशन कर देना है। अब हमें जाना है वाइप में, यहाँ पे फॉर्मेट डेटा, और यहाँ पे यस टाइप कर देना है। ओके, अब हमें सिंपली रिबूट सिस्टम कर देना है। बट जिस अगर किसी को रूट करना है तो वो यहाँ पे जा करके इंस्टॉल में जिस सेलेक्ट करेगा और यहाँ पे स्वाइप कर देगा, ताकि वो जो रोम है वो ऑटोमेटिकली रिबूट ऑटोमेटिकली रूट हो जाएगी। अगर आपको नहीं करना है तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे रेड रेड दिख रहा है, ये कुछ एरर नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। अब यहाँ पे फिर से वाइप, कैच और डेल्विक करना है, और यहाँ पे रिबूट सिस्टम पे क्लिक कर देना है। तो गाइस वेट करते हैं, फर्स्ट टाइम में रिबूटिंग में थोड़ा टाइम ले सकता है। तो गाइस हम सिस्टम में सक्सेसफुली रिबूट हो चुके हैं, और आप मैं दिखाता हूँ ये एरो ओएस ही है। तो यहाँ पे मैं सेटिंग में जाऊँगा, यहाँ पे अबाउट फोन में जाऊँगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो एंड्रॉयड वर्जन 12 एरो ओएस का वैनिला है, बट हमने जी एप्स फ्लैश कर लिया है तो हमें गूगल एक्सेस मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे जो कर्नल है वो है ISE कोर का कर्नल, जो कि एक वन ऑफ द बेस्ट कर्नल है, अ काइंड ऑफ लाइक बहुत स्टेबल कर्नल माना जाता है। तो ठीक है, तो मैं इस पर एक रिव्यू वीडियो ला दूंगा अगर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे तो। टिल देन टेक केयर।